हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है शालूवेज किचन में। आज हम यश के पसंद का हक्का नूडल्स बनाने जा रहे हैं। ये है चिंग्स के वेज हक्का नूडल्स और इसे बनाएंगे चिंग्स के ही नूडल्स मसाले के साथ। चिंग्स के नूडल्स है तो क्या हुआ, प्रोसेस तो वही होगा नूडल्स बनाने का। सबसे पहले कढ़ाई में हम ले लेंगे पानी, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और आधा चम्मच नमक। पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें डाल देंगे हम वेज हक्का नूडल्स 1 पैकेट। और ये देखिए, पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है और नूडल्स हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब नूडल्स को इस थाली में हम ड्रेन कर लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाए। इसे हल्का सा फैला देंगे जिससे कि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, तभी इसमें स्मोकी फ्लेवर आ सकता है। अब हम चलते हैं फटाफट से इस नूडल्स को बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए लेंगे हम एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप कोई भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बना हुआ पास्ता और नूडल्स का स्वाद बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। कढ़ाई जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से फैला देंगे। तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम 8 से 9 कली बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। डाल देंगे 1 लंबाई में कटा हुआ हरी मिर्च और 1 लच्छेदार कटा हुआ प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर जिसे कहते हैं, और 1 चम्मच डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसे हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इस तरह गैस के फ्लेम पर ही सभी सब्जियों को हम भूनेंगे। 5 से 6 मिनट ये प्रोसेस करने के बाद आप टेस्ट खुद ही बता सकते हैं कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा स्मोकी फ्लेवर का नूडल्स बनके आपके घर पर ही रेडी हो गया है। सभी सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चिंग्स के ही नूडल्स मसाले। ये देखिए, हम 1 ही चम्मच डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चटपटा होता है, और आधे मसाले को हम रख लेंगे। अब 2 फोर्क की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे कंटिन्यू हाई फ्लेम पर चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक इसे इसी तरह हम मिक्स करेंगे, और ऊपर से हल्का सा देसी घी डालकर इसे भी मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, गर्मा गर्म नूडल्स रेडी है।